यस सरकार, चैप्टर नंबर 17 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स दिल थाम के सुनेगा बच्चों। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर अंडरटेकन बाय हिम। प्लस अगर उसके मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है तो रेस्पेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस के रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स उस रेस्पेक्टिव प्लेस में होने चाहिए बेटा। ओके सरकार ध्यान देना बेटा, अब उसको कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स अगर वो कर रहा है तो बेटा। सेकंड इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। थर्ड आउटपुट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ उसके रिकॉर्ड्स। स्टॉक ऑफ द गुड्स कितना स्टॉक उसके पास है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना उसने अवेल किया, कितना उसने यूटिलाइज किया। आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड एंड सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ बाय द रूल्स। ओके तो अब हम रूल्स पढ़ने वाले, पर उसके पहले एक सर्कुलर सर। चाय कॉफी रबर एक्सेट्रा के केस में जब ओपन वेयर हाउस में इसका ऑक्शनर के थ्रू जब ऑक्शन होता है तो उसके लिए एक डिफिकल्टी है, उसके लिए सर्कुलर दिया। क्या होता है, मान लो मैं सप्लायर हूँ, आप बायर है और एक्स वाई जेड एक पर्सन कौन है, ऑक्शनर जो ऑक्शन करवा रहा है। अब क्या होता है, मैं अपने गुड्स ऑक्शनर को देता हूँ और ऑक्शनर मेरे बिहाफ पे सप्लाई करता है तो वो मेरा एजेंट हो गया, वो मेरे बिहाफ पे सप्लाई करता है। तो जब मेरे यहाँ से ऑक्शनर के जा रहा है तो क्या हो गया, सप्लाई हो गया। और जब वो आपको बेचेगा तो अगेन वो क्या होगा, सप्लाई होगा। और मैंने जो जीएसटी पे किया उसका क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। क्लियर। और सर वो जब सप्लाई करेगा तो वो जीएसटी पे कर देगा बेटा सेल पर। ओके अगर इस तरह का अरेंजमेंट है, अगर इस तरह का अरेंजमेंट है और वो कॉमन वेयर हाउस में गुड्स पड़े हैं जहाँ से ऑक्शनर ऑक्शन करेगा तो क्या हो गया, जहाँ पे गुड्स पड़े हैं वो सर एक तरह से ऑक्शनर जहाँ से ऑक्शन कर रहा है सर वो प्लेस पे गुड्स पड़े तो ऑक्शनर का प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, वो वहाँ से सप्लाई कर रहा है। प्लस एजेंट का जो लोकेशन होता है वो मेरा भी प्लेस ऑफ बिजनेस होता है। तो ऐसे केस में मेरे को सप्लायर को और ऑक्शनर को अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में उस प्लेस को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज आवर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लस अब क्या होता है सर, अभी अभी आपने बात करी क्या, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रेस्पेक्ट में वहाँ के रिकॉर्ड्स वहीं पर मेंटेन होना चाहिए। अब सर वो तो एक ओपन वेयर हाउस हो गया, मंडी हो गया बेटा एक तरह से। अब वहाँ पे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपनली कैसे रख दे, इसके लिए सर्कुलर ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर इस तरह का अरेंजमेंट है जहाँ पे मेरे यहाँ से प्रिंसिपल मेरे यहाँ से जब ऑक्शनर की गुड्स जा रहा है तब जीएसटी लग के जा रहा है उसका, वो आईटीसी लेता है और वो गुड्स जब आगे सप्लाई करता था वो जीएसटी पे करता है। अगर इस तरह का अरेंजमेंट है तो उस प्लेस को बस आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरह डिक्लेयर कर दो और अपने ज्यूरिस्डिक्शनल टैक्स ज्यूरिस्डिक्शनल जीएसटी ऑफिसर को इंटीमेट कर दो कि वो हमारा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है पर उसके रिकॉर्ड्स हम हमारे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर रख रहे हैं। तो ऐसे केस में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर अगर वो रिकॉर्ड रखोगे चल जाएगा, ये सर्कुलर था। और ये चाय कॉफी रबर के अलावा भी किसी और गुड्स में भी इस तरह का डील होता है तो वहाँ पर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके अब रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स क्या क्या मेंटेन करने इस पर रूल्स। सबसे पहली बात सर जनरल रूल ये बोलता है कि गुड्स और सर्विसेज जो एक्सपोर्ट किया है इंपोर्ट किया उसके रिकॉर्ड्स, प्लस अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपकी लायबिलिटी आती है, एडवांसेस रिसीव्ड एडवांसेस एडजस्टेड पर्टिकुलर्स और नेम ऑफ एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द सप्लायर एंड सप्लायर का भी नाम एड्रेस होना चाहिए और किसको बेचा है उसका भी सर अगर वो रजिस्टर्ड तो। देन अगर आपने गुड्स को वेयर हाउस में रखाया हुआ है तो किस प्लेस पर आपने स्टोर किया हुआ है, इंक्लूडिंग ट्रांजिट में अगर गुड्स कहीं स्टोर हुआ हुआ आपका गुड्स इन ट्रांजिट है और वहाँ पे आपने वेयर हाउस में रखा हुआ है गुड्स को तो उनके डिटेल आपके पास होनी चाहिए बेटा। अच्छा अब स्पेशल प्रोविजन स्पेसिफिक प्रोविजन स्पेसिफिक केसेस में सबसे पहली बात कंपोजिशन टैक्स पेयर। कंपोजिशन स्कीम में जो पर्सन रजिस्टर्ड है उसको दो तरह के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट कमोडिटी वाइज स्टॉक ऑफ द गुड्स उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड डिटेल्स ऑफ टैक्स पेएबल आईटीसी एंड सर टैक्स इनवर्स का रजिस्टर डेबिट नोट क्रेडिट नोट और डिलीवरी चालान इनके रिकॉर्ड्स रखने की जरूरत नहीं। बाकी सारे असेसी जो है उन सबको इनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अब आइए सर रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय स्पेसिफिक पर्सन। आप चाहे तो समरी बुक रेफर कर सकते हो, इसका समरी बुक का चार्ट बड़ा अच्छा दे रखा मैंने आपको। सरकार एजेंट अगर आप एजेंट हो जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड सप्लाई करते हो तो ऐसे केस में आपको कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने। सबसे पहला आपका ऑथराइजेशन लेटर कि जिसके थ्रू प्रिंसिपल ने आपको ऑथराइज किया टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन योर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। सेकंड कितने गुड्स और सर्विस और बोथ आपको रिसीव हुआ फ्रॉम द प्रिंसिपल टू सप्लाई ऑन हिज बिहाफ। थर्ड कितना आपने गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाई किया सर उसका गुड्स का डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर। और हाँ एवरी रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल के बेस पे के रिगार्ड में आपको सेपरेट रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे बेटा कि इस प्रिंसिपल का इतना गुड्स था इतना मैंने सप्लाई किया, इतना रिसीव हुआ इतना मैंने सप्लाई किया प्रिंसिपल वाइज। देन सर एवरी प्रिंसिपल का आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, इतना गुड्स आया था इतना गया बेटा। क्लियर एंड इंक्लूडिंग अमाउंट इन्वॉल्व क्लियर वैल्यू। एंड देन सर टैक्स पेड ऑन रिसीट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एंड जो भी आपने गुड्स सप्लाई जो गुड्स रिसीव हुआ उस पर कितना आपने टैक्स पे किया जब सप्लाई किया होगा बेटा उसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा बेटा क्योंकि प्रिंसिपल की बिहाफ पे जब एजेंट सप्लाई करता तो उसने सप्लाई किया है माना जाता है उसको टैक्स पे करना पड़ता है उसके रिकॉर्ड्स उसको रखना पड़ेंगे। ये होगी बात इसकी एजेंट की। अब आ रहा है क्या मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर बोलते क्या आपको एडिशनल रिकॉर्ड क्या रखना पड़ा मंथली प्रोडक्शन रिकॉर्ड प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग क्वांटिटी डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स और सर्विसेज विच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरर एंड क्वांटिटी डिटेल्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड
इंक्लूडिंग वेस्ट और बाय प्रोडक्ट, क्लियर, वेस्ट और बाय प्रोडक्ट निकला तो उसका भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब क्वांटिटी डिटेल रखना पड़ेगा इनपुट का भी और आउटपुट का भी बेटा। देन सर्विस सप्लायर के लिए बोल दिया कि कितना आपने गुड्स या सर्विस परचेज किया टू सप्लाई योर आउटपुट सर्विसेज, वो रिकॉर्ड आपको एडिशनली मेंटेन करने पड़ेंगे। प्लस अगर आप कस्टोडियन हो या क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट हो तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा वो रिकॉर्ड्स जो आपने प्रिंसिपल की व्यापक गुड्स जो आपने रिकॉर्ड आपने स्टोर किए बेटा वो सारे। देखिए मेंटेन ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स हैंडल्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल या ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन बेटा, एंड जब भी रिक्वायर्ड है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस करेगा प्रॉपर ऑफिसर को बेटा, मतलब कौन कौन से गुड्स उसके पास है, क्या क्या गुड्स वो हैंडल करता है, क्लियर, इसके रिकॉर्ड रखेगा क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बेटा। देन वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को क्लियर बोल दिया कि किस किस के बिहाफ पे आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कैरी आउट कर रहे हो, तो जिनको आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो सर उसका आपको नाम एड्रेस होना चाहिए। सेकंड कितना आपने गुड्स और सर्विसेज रिसीव किया टू एग्जीक्यूट द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, देन कितना आपने गुड्स या सर्विस यूज किया, देखो फर्स्ट था रिसीव कितना किया परचेज कितना किया, देन आपने कितना यूज किया उसका डिस्क्रिप्टिव क्वांटिटी वाइज आपको क्या करना पड़ेगा सर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, इतना मैंने गुड्स परचेज किया इतना मैंने यूज किया, एंड देन कितना आपने पेमेंट रिसीव किया कितना आपने पेमेंट किया, हाँ है ना बच्चों, क्लियर, एंड किन किन सप्लायर को आपने सर्विसेज सप्लाई करी उनका नाम एड्रेस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और जिनसे आपने परचेज किया उसका भी नाम और एड्रेस आपको मेंटेन करना पड़ेगा बेटा। ये हो गया वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के लिए। देन सर अगर आप वेयरहाउस ऑपरेटर हो बेटा, आप अगर ऑपरेटर या ओनर ऑफ दी वेयर हाउस हो या गोडाउन हो या आप ट्रांसपोर्टर हो तो ध्यान रखना भले आप रजिस्टर्ड हो या ना हो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रिगार्डिंग कितने गुड्स आपने ट्रांसपोर्ट किए, आपने कितना स्टोर किया उसका, कितने पीरियड तक आपने स्टोरेज किया गुड्स का, ये भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। फिर वो गुड्स सर जब ट्रांसपोर्ट हुआ डिलीवर हुआ सर ट्रांसपोर्ट को ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा, कंजाइनर कंजानी कौन कौन थे उसका इन्फॉर्मेशन उसको रखना पड़ेगा। प्लस अगर ये लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो इनको एक कॉमन पोर्टल पे एनरोलमेंट कराना पड़ेगा कि हम ट्रांसपोर्टर है बेटा। देखो लास्ट में कहा है एनरोलमेंट इफ नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, इफ सच पर्संस आर नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन जीएसटी देन दे शैल ऑब्टेन अ यूनिक एनरोलमेंट नंबर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रॉनिकली एट द जीएसटी कॉमन पोर्टल, क्लियर, एक यूनिक नंबर ले लेंगे जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है, एक एनरोलमेंट नंबर होता है, क्योंकि ध्यान ना वेयर हाउस ऑपरेटर और ट्रांसपोर्ट को बोल दिया कि आप भले जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे जो गुड्स आप स्टोर कर रहे हो या जो गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसके रिगार्डिंग, प्लस किसका गुड्स आपने स्टोर किया या किसका गुड्स आपने ट्रांसपोर्ट किया कंजाइनर कंजाइनर की इन्फॉर्मेशन, क्लियर, ये सब आपको मेंटेन करनी पड़ेगी भले आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं तो आपको यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा बेटा। आइए नेक्स्ट क्या है, मैनर ऑफ मेंटेनेंस एंड पीरियड ऑफ मेंटेनेंस, किस तरह से आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने बेटा, फिजिकली तो मेंटेन करने ही करने, प्लस सर अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली आप काम करते हो बेटा सॉफ्टवेयर के थ्रू तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आप रिकॉर्ड रख रहे हो तो इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय डीएससी डिजिटल सिग्नेचर बेटा। देन अकाउंट शुड बी मेंटेन एट all respective places of business, not to be erased or overwritten. Books or volume shall be serially numbered. होता ना बेटा book number, जैसे bill book खत्म हो गए invoices must be serial numbered, तो bill book का number होना चाहिए, books or volumes in serial number. Then adequate backup shall be taken for electronic record. ऐसा नहीं data उड़ गया बेटा, electronic record का आपको backup रखना पड़ेगा. Then audit trail should be produced when proper officer demands. ओके कि साहब आपने क्या क्या चेंज किया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, उसका ऑडिट ट्रेल उनको पता होना चाहिए बेटा, आप वो पूछ सकते हो और आपको देना पड़ेगा। देन कितने साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कितने टाइम तक, 72 मंथ्स, देन बड़ा रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल खत्म होने के बाद एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से 72 मंथ तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेंगे। पर अगर आपका कोई केस सर केस अगर आपका ओपन हो गया था अपील में था या एडजुडिकेशन में था, तो जब वो अपील या आपका एडजुडिकेशन मैटर डिस्पोज ऑफ होगा वहां से 1 साल और 72 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज लेटर, वहां तक आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे बेटा, क्लियर। और हाँ सर ध्यान रखना ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके बेटा चैप्टर नंबर 13 में कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको ऑडिट करना पड़ेगा अगर एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस होता तो बेटा, और इसके एक्सेप्शन कुछ देर के जो जिनको ऑडिट नहीं कराना पड़ता हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देन अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में फेल हो जाते हो तो सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन 6 ने बोला इफ द एनी एसएससी फेल्स टू मेंटेन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो जिन गुड्स या सर्विसेज के रिगार्डिंग उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है तो मान लेंगे कि उसने वो गुड्स या सर्विसेज क्या कर दी सप्लाई कर दी और उन पे जो टैक्स पेबल आता है वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट और पेनल्टी, और ऐसे केस में सेक्शन नंबर 73 और 74 अप्लाई होगा। और इसी के साथ ये सर ये पूरा चैप्टर नंबर 17 बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स भी खत्म होता है अब, क्लियर। मैंने कोशिश किया कि वो रिकॉर्ड्स के नाम भी बोल दूं मैं आपके लिए फास्ट फास्ट सर इंडिविजुअल पर्सन वाइज, क्योंकि ये चैप्टर नॉर्मली बच्चे रिवाइज करने में बड़ा टाइम लगाते हैं। सर ध्यान देना, इसको ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, माहौल सरकार, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।